पहाड़ी रियासतों के कुछ किस्से एम्पायर सीरीज के पिछले एपिसोड में हम आपको सुना चुके हैं। उन किस्सों में सामंतों की आपसी अदावतें हैं तो लालच, महत्वाकांक्षा और खूनी संघर्ष भी, शौर्य की पटकथाएं हैं तो महलों की ढहती दीवारों की अनकही कहानियां भी। इस सीरीज में अब तक आपने राजा रानियों के रोचक किस्से सुने, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स का किस्सा सुनाने जा रहे हैं जो असल मायनों में किंग मेकर था। एक ऐसा शख्स जिसे इतिहास ने कई उपमाएं दी, कहीं वो वीर नायक के रूप में दर्ज हुआ तो कहीं राजनीतिक चालबाज के रूप में। ऐसा राजनीतिक चालबाज जो 8 राजाओं को सत्ता में बिठाता है और उतना का ही तख्ता पलट भी कर देता है। उसका किरदार इतना उलझा हुआ है कि कभी वो एक कुशल प्रशासक नजर आता है तो कभी घर का भेदी, कभी उसे गढ़वाल और कुमाऊं के बीच भाईचारे की बुनियाद डालने वाले के रूप में याद किया जाता है तो कभी गढ़वाल का कसाई तक कह दिया जाता है। कहीं वो कुमाऊं का चाणक्य कहलाता है, कहीं कुमाऊं का शिवाजी और कहीं अर्ल ऑफ वार्विक। आखिर कौन था ये शख्स जिसे इतिहास ने इतने रूप मिलते हैं, जिसकी चर्चा हमेशा विवादों से घिरी रही है लेकिन बावजूद उसके गढ़वाल और कुमाऊं के इतिहास की किताबें उसके बिना अधूरी हैं। गोरखाओं के लिए राजनीतिक बिसात बिछाने वाले और अंग्रेज हुकूमत के साथ कूटनीतिक संबंध बनाने वाले 18वीं शताब्दी के इस नायक या खलनायक का नाम है पंडित हर्षदेव जोशी। नमस्कार, मैं हूं मनमीत और आप देख रहे हैं बारामासा का विशेष कार्यक्रम एम्पायर। पंडित हर्षदेव जोशी का जन्म 18वीं सदी में कुमाऊं के जिजार क्षेत्र के प्रसिद्ध जोशी परिवार में हुआ था। उनके पिता शिवदेव जोशी कुमाऊं नरेश कल्याण चंद्र और उनके बाद उनके पुत्र दीपचंद्र के प्रमुख मंत्री रहे। हर्षदेव को बचपन से ही शासन कार्य व सैन्य संचालन की अच्छी शिक्षा अपने पिता से मिली थी। पिता पुत्र पर्वतीय क्षेत्र की रक्षा के लिए दिल्ली के बादशाह और नजीबाबाद के नवाब से मधुर संबंध बनाए रखने का प्रयास करते रहते। उस समय राज्य के पड़ोसी रियासत रोहिलखंड में रोहिले खासे शक्तिशाली थे, लेकिन हर्षदेव और उनके पिता ने कुमाऊं की सेना को इस कदर शक्तिशाली बना दिया था कि रियासत पर कोई नजर उठाने की जरूरत नहीं करता। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई जिसमें दिल्ली के बादशाह अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव भाव आमने सामने थे। इस युद्ध में पंडित हर्षदेव जोशी ने अब्दाली की सहायता के लिए 4,000 सैनिक भेजे। एक कुशल प्रशासक के तौर पर वो अब तक इतने विख्यात हो चुके थे कि नवाब नजीबुद्दौला जब स्वयं बादशाह की मदद के लिए पानीपत के मैदान में गया तो उसने अपनी गैर हाजिरी में राज्य प्रबंधन के लिए हर्षदेव जोशी को ही नियुक्त किया। हर्षदेव ने भी बड़ी कुशलता से इस दौरान रोहिलखंड पर राज किया। हर्षदेव जोशी की कवायदों से कुमाऊं व गढ़वाल में भी परस्पर भाईचारा व प्रेम भाव रहा। 1764 ईस्वी में कुमाऊं के राज परिवार में एकाएक गृह कलह शुरू हो गया। कुंवर मोहन सिंह ने नरेश दीप चंद्र को बंदी बनाकर उनकी रानी श्रृंगार मंजरी का कत्ल कर दिया। पंडित हर्षदेव जोशी तुरंत देश रक्षा के लिए आ गया। एक शक्तिशाली सेना का गठन कर शीघ्र ही कुंवर मोहन सिंह को राज्य से खदेड़ दिया और दीप चंद्र को मुक्त कराया। लेकिन तभी एक नई मुसीबत सामने आ गई। समाचार मिला कि काशीपुर में नियुक्त फौजदार नंदराम कुमाऊं राज्य के तराई इलाके को राज्य से अलग कर लखनऊ के नवाब की सल्तनत के अंतर्गत ले जाने का कुत्सित षड्यंत्र कर रहा है। हर्षदेव जोशी को यह बात पता चली तो वह तुरंत एक छोटी सी सेना लेकर काशीपुर पहुंचे और नंदराम को वहां से खदेड़ दिया। नंदराम और कुंवर मोहन सिंह ने मिलकर कुमाऊं राज्य पर अधिकार करने की कई बार साजिश की। कुंवर मोहन ने चालाकी से राज्य में प्रवेश की राजाज्ञा भी प्राप्त कर ली थी। कुछ समय बाद 1771 में मोहन सिंह ने पंडित हर्षदेव के भाई जयकृष्ण की हत्या कर दी और हर्षदेव को गिरफ्तार कर बंदी गृह में डाल दिया। इसके बाद नंदलाल के साथ स्पष्ट रूप से देशद्रोह में शामिल होकर कुंवर मोहन सिंह ने काशीपुर का मैदानी क्षेत्र अवध के नवाब के सुपुत कर दिया। रुद्रपुर को भी कुमाऊं से अलग कर नवाब के इलाके में शामिल करने के लिए फरमान जारी कर दिया गया। पंडित हर्षदेव जोशी को जेल में जब ये सूचना गुप्त रूप से मिली तो वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने किसी प्रकार बंदी गृह से ही गढ़वाल एवं डोटी के नरेशों को सूचना भिजवाई और उनसे मदद मांगी। टिहरी के राज परिवार में जमने कैप्टन सूरवीर सिंह परवार अपनी किताब में लिखते हैं कि यह पहला मौका था जब पंडित हर्षदेव जोशी ने
कुमाऊं और गढ़वाल की अखंडता के लिए एक संयुक्त सैनिक अभियान की वकालत की। इसके बाद गढ़वाल नरेश ललित शाह ने तुरंत अपने प्रधान सेनापति प्रेमपति खंडूरी के नेतृत्व में एक विशाल सेना का कुमाऊं की ओर रवाना किया। मोहन सिंह अब तक खुद को कुमाऊं नरेश घोषित कर चुका था और उसने अपना नाम मोहन सिंह से बदलकर मोहनचंद रख लिया था। उसने अपने भाई लाल सिंह के नेतृत्व में गढ़वाली सेना से मोर्चा लेने के लिए 1779 के पूर्वार्ध में सेना भेजी। ये दोनों सेना बगवाली पोखर में भिड़ी और इसमें मोहन सिंह की सेना की हार हुई। इसके कुछ ही समय बाद हर्षदेव जोशी भी जेल से रिहा कर दिए गए। मोहनचंद में वीरता की कमी थी। वह भागकर टनकपुर होते हुए अवध के नवाब के पास पहुंचा। उसे वहां से भी जब सहायता नहीं मिली तो वो रामपुर के नवाब फैजुल्ला खां के पास पहुंचा। मोहनचंद की सहायता से नवाब रामपुर ने काशीपुर पर आक्रमण कर लूटपाट तो की, लेकिन कुमाऊं के विरुद्ध सैन्य अभियान की हिम्मत रामपुर नवाब की भी नहीं हुई। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साबित हो गई कि गढ़वाल नरेश ललित शाह व कुमाऊं के जननायक हर्षदेव जोशी की संगठित शक्ति के समक्ष मैदानी भाग के शासकों ने अपने को कमजोर पाया। हालांकि मोहनचंद व नंदराम के राजद्रोही षड्यंत्र फिर भी चलते रहे। अल्मोड़ा के राजमहल में भी गुटबाजी शुरू हो चुकी थी क्योंकि पूरी रियासत बिना किसी शासक की थी। ऐसे में कोई निर्णायक कदम उठाया जाना जरूरी था। पंडित हर्षदेव जोशी जानते थे कि बाहरी आक्रमणकारियों से अगर रियासत को बचाना है तो किसी ना किसी को शासन संभालनी ही होगी। लिहाजा वह गढ़वाल रियासत के राजा ललित शाह से मिले। लंबी बैठकों के बाद यह तय हुआ कि ललित शाह के दूसरे पुत्र राजकुमार प्रद्युम्न शाह अल्मोड़ा जाएंगे और वहां की गद्दी संभालेंगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी। दिक्कत यह थी कि अगर राजकुमार प्रद्युम्न शाह कुमाऊं का राजकाज संभालते हैं तो बाहरी होने के कारण जनता उतना सहयोग ना करे और महल में फिर से गुटबाजी होने लगे। इसका तोड़ भी पंडित हर्षदेव जोशी ने निकाला। उन्होंने 1779 में प्रद्युम्न शाह को स्वर्गीय नरेश दीपचंद्र के धर्मपुत्र के रूप में वहां के राज्य सिंहासन पर बैठा दिया और खुद हर्षदेव उनके प्रधानमंत्री और रक्षा सलाहकार के रूप में सहायक बने। इधर गढ़वाल में ललित शाह की मृत्यु होने पर उनका बेटा जयकिर शाह गढ़वाल की गद्दी पर बैठा। कुछ स्वार्थी व उपद्रवी तत्वों की कुमंत्रणा पर गढ़वाल नरेश ने यह दावा कर दिया कि प्रद्युम्न शाह चूंकि उनके छोटे भाई हैं, लिहाजा कुमाऊं रियासत को उनके अधीन होना चाहिए। प्रद्युम्न शाह और पंडित हर्षदेव ने इसका कड़ा विरोध किया। वो जानते थे कि ऐसा होने पर दोनों क्षेत्र की जनता में आपसी टकराव होने की पूरी आशंका है। लेकिन जयकिर शाह के दिमाग में ये सनक घर कर चुकी थी। इसी सनक के चलते उसने अल्मोड़ा की तरफ अपनी विशाल सेना को रवाना कर दिया। ये बात जैसे ही पंडित हर्षदेव जोशी को पता चली तो उन्होंने भी अपनी सेना तैयार की और उसका नेतृत्व खुद अपने हाथों में लिया। इस भीषण युद्ध में गढ़वाल के राजा जयकिर शाह की हार। इस युद्ध के कुछ समय बाद ही जयकिर शाह की मौत हो गई, लेकिन संकट के बादल अभी भी नहीं छटे थे। जयकिर का तीसरा भाई पराक्रम शाह भी महत्वाकांक्षी होने के साथ दम्भी स्वभाव का था। गढ़वाल की गद्दी पर बैठने के लिए उसने तुरंत प्रयास शुरू कर दिए। पंडित हर्षदेव जोशी चाहते थे कि इस जयकिर शाह की मृत्यु के बाद अब प्रद्युम्न शाह ही बड़े होने का कारण संपूर्ण उत्तराखंड यानी कुमाऊं व गढ़वाल के सम्मिलित क्षेत्र पर शासन व सुव्यवस्था का प्रबंध अल्मोड़ा से करें। लेकिन पराक्रम शाह के षड्यंत्रों को देखते हुए उन्होंने प्रद्युम्न शाह को तुरंत ही श्रीनगर गढ़वाल जाकर राज्यभार अपने हाथ में लेने की सलाह दी। प्रद्युम्न शाह श्रीनगर लौटे ही थे कि मोहनचंद और नंदराम ने पराक्रम शाह के साथ मिलकर कुमाऊं पर हमला कर दिया। इस बार पराक्रम शाह के पास पहले से बड़ी सेना थी, लिहाजा नैथाना गढ़ी में हुई इस लड़ाई में वो पंडित हर्षदेव की सेना को हराने में सफल हो गए। पंडित हर्षदेव जोशी ने तराई में भागकर गढ़वाल रियासत में प्रद्युम्न शाह से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। उधर पराक्रम शाह ने मोहनचंद को कुमाऊं की राजगद्दी पर बैठा दिया और खुद श्रीनगर की तरफ चल दिए। श्रीनगर की गद्दी पर प्रद्युम्न शाह बैठ चुके थे, इसलिए पराक्रम शाह ने राजगद्दी के बाहर ही पड़ाव डाल दिया। उधर कुछ ही समय बाद कुमाऊं रियासत में अराजकता फैल गई। राजकोष लूट लिया गया और सेना को वेतन देने तक के लाले पड़ गए। हर्षदेव जोशी ने इस मौके का फायदा उठाया और एक छोटी सी सेना बनाकर ही मोहनचंद को गद्दी से उतार दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली। इसकी सूचना पराक्रम शाह को मिली तो उन्होंने फिर से अल्मोड़ा पर हमला किया और हर्षदेव को हरा दिया। हर्षदेव किसी भी तरह राजा प्रद्युम्न शाह को अल्मोड़ा के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए मनाना चाहते थे। इसके लिए वो गुपचुप तरीके से श्रीनगर के उनके महल पहुंचे, लेकिन पराक्रम शाह के समर्थकों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। खुद को बेहद अकेला पाते हुए हर्षदेव जोशी ने अब नेपाल का रुख किया। एडविन एटकिंसन के गजेटियर में जिक्र मिलता है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद पंडित हर्षदेव ने नेपाल के राजा को पत्र लिखकर कुमाऊं में फैली अराजकता को खत्म करने को कहा। नेपाल के लिए एक बड़ा मौका था, वो कभी भी हमला करने वाले थे,
लेकिन गोरखों को पहले कुमाऊं और फिर गढ़वाल में दाखिल कराने का ये ही वो दाग भी था जो अब पंडित हर्षदेव जोशी के दामन में इतना गहरे लगने वाला था कि इतिहास में उन्हें गद्दार और लालची के रूप में दर्ज किया गया। कालीपार से गोरखों के आक्रमण की यह आशंका सच साबित हुई। गोरखों ने अपने बड़े सेनापति चौंतरिया बहादुर शाह, काजी जगजीत पांडे, अमर सिंह थापा और सूरज सिंह थापा के संयुक्त नेतृत्व में कुमाऊं के दो हिस्सों में धावा बोल दिया। हर्षदेव जोशी को नेपाल के राजा का लाल मुहर वाला एक पत्र भी आ गया। इसमें उन्हें गोरखों की मदद करने के लिए कहा गया था। गोरखाओं के आक्रमण के साथ ही पूरे कुमाऊं क्षेत्र में खलबली मच गई। गोरखा सूबेदार अमर सिंह ने कुमाऊं की फौज पर गंगोली में भारी हमला बोल दिया, लेकिन महेन चंद्र की सेना ने इस मोर्चे पर उसे हरा दिया। यहां से हारने के बाद गोरखा सेना काली कुमाऊं की ओर भागी। वहां लाल सिंह मोर्चा संभाले थे। जब तक महेंद्र चंद्र अपने चाचा की सहायता के लिए काली कुमाऊं पहुंचते, गोरखा सेना ने वहां लाल सिंह को हरा दिया। कोटालगढ़ के निकट गौताड़ा गांव में 200 कुमाऊनी सैनिकों को मारकर गोरखों ने लाल सिंह की तराई की ओर भागने को विवश कर दिया। अब महेंद्र चंद्र भी अल्मोड़ा से बचने की आशा छोड़ मैदान की ओर भागे। इससे गोरखों ने अपना रास्ता साफ देखकर अल्मोड़ा पर चढ़ाई कर दी। एक साधारण से युद्ध के बाद हवालबाग में 1790 को गोरखों का कुमाऊं में कब्जा हो गया। यहीं से शुरू होती है दमन और अत्याचार में अखंड डूबे एक ऐसे शासन की कहानी जिसने 25 साल तक कुमाऊं और गढ़वाल को अपने खूनी पंजे में दबोचे रखा। इतिहास में इस क्रूर समय को सब गोरख्याली राज के रूप में जानते हैं। कुमाऊं का राज परिवार भागकर तराई चला गया। गोरखाओं को कुमाऊं और गढ़वाल पर हमला करने का न्योता देने का आरोप पंडित हर्षदेव जोशी पर ताउम्र रहा। इस पर विस्तार से प्रसिद्ध इतिहासकार और यात्री एडविन एटकिंसन ने लिखा है। हालांकि कई इतिहासकार हर्षदेव जोशी को दोषी नहीं मानते। इनमें सबसे पहले हैं टिहरी राजवंश के कुंवर और पंडित हर्षदेव जोशी पर अखंड उत्तराखंड के स्वप्न दृष्टा किताब लिखने वाले कैप्टन सूरवीर सिंह पंवार। वह एटकिंसन की बातों को खारिज करते हुए लिखते हैं कि उस वक्त की परिस्थितियों पर अगर बारीक नजर डाली जाए तो ऐसा कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता जो सीधे पंडित हर्षदेव जोशी को दोषी ठहराता हो। उधर गोरखाओं ने पंडित हर्षदेव जोशी को आश्वासन दिया था कि जब वो कुमाऊं पर कब्जा कर लेंगे तो शासन हर्षदेव जोशी को सौंप दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेपाली प्रशासक अमर सिंह थापा ने पंडित हर्षदेव जोशी को भी बंदी बना लिया। इस बीच चीन के नेपाल के संधि हो गई। नेपाल से आदेश आया कि कुमाऊं और गढ़वाल का राज किसी को ना दिया जाए। जब पंडित हर्षदेव जोशी को लगा कि अब गोरखा उन्हें छोड़ेंगे नहीं तो वो उनकी कैद से भागकर जोहार की ओर चले गए। गोरखाओं को लगा कि हर्षदेव जोशी अब भी पाली और बारामंडल में अपना प्रभाव रखते हैं और वे वहां की जनता को गोरखाओं के खिलाफ भड़का सकते हैं, इसलिए उन्हें जोहार में नेपाली हुकूमत के कहने पर फर्तियाल धड़े ने नजरबंद कर दिया। गोरखाओं को यह भी लगता था कि हर्षदेव जोशी कभी भी अपने पुराने मित्र गढ़वाल के राजा प्रद्युमन शाह के साथ मिलकर कुमाऊं से भी गोरखाओं को हटवा सकते हैं। इसकी सूचना लाल सिंह और महेंद्र चंद्र को भी भेजी गई तो उन्होंने हर्षदेव जोशी की हत्या के लिए पदम सिंह नाम के अपने एक रिश्तेदार को रवाना किया। जोशी कूटनीति जानते थे। उन्होंने बड़ी चालाकी से पदम सिंह को बताया कि कुमाऊं के असली वारिस तो आप हैं, आप कहाँ इन चक्रों में पड़े हो। हर्षदेव जोशी का यह दांव सही पड़ा। जो कुंवर पदम सिंह उनकी हत्या करने निकला था उसे राजा बनाने का सपना दिखाकर हर्षदेव ने अपनी तरफ कर लिया। फिर उसी की मदद से वो गढ़वाल के राजा प्रद्युमन शाह से मदद मांगने गए, लेकिन प्रद्युमन शाह ने पुराने अनुभवों से सबक लेते हुए कुमाऊं की राजनीति में कोई दखल न देने की बात कही और हर्षदेव की कोई भी मदद करने से इनकार कर दिया। वह श्रीनगर में रहकर ही अपने अस्तित्व को बचाने की उधेड़बुन में लगे हुए थे। इस बीच रोहिल्ला सरदार गुलाम मोहम्मद खान गढ़वाल के बावर क्षेत्र के फतेह चौड़ नामक स्थान पर घुस आया। वहां पर गढ़वाली सेना तो थी लेकिन नेतृत्व करने वाला कोई भी नहीं था। ऐसे में पंडित हर्षदेव जोशी तुरंत ही वहां पहुंचे और उन्होंने गढ़वाली सेना का नेतृत्व करते हुए मोहम्मद खान को वहां से भगाया। इस घटना के बाद हर्षदेव एक बार फिर से गढ़वाल के राजा प्रद्युमन शाह के निकट आ गए थे। प्रद्युमन शाह ने उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर उस समय के पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर चेरी के पास बनारस भेजा। वहां हर्षदेव जोशी ने अंग्रेज अफसर चेरी से गोरखाओं के खिलाफ हमला करने का आग्रह किया। इसी घटना के चलते इतिहास में हर्षदेव जोशी को एक बार और आरोप चस्पा हो गया। वो ये कि उन्होंने ही अंग्रेजों को कुमाऊं में दाखिल होने का रास्ता दिखाया। हर्षदेव जोशी ने मिस्टर चेरी के साथ जो लिखा पढ़ी की वह भले ही अंग्रेजी हुकूमत के लिए मुफीद हो रही थी, लेकिन कुमाऊं और गढ़वाल का गोरखों के क्रूर शासन से मुक्ति का द्वार भी यहीं से खुलता था। लेकिन यहीं से इतिहास का एक नया मोड़ लेने वाला था। 1799 में मिस्टर चेरी की हत्या कर दी गई और हर्षदेव जोशी का एक बड़ा कूटनीतिक चक्रव्यूह टूट गया।
इस घटना के कुछ समय बाद उन्होंने राजनीतिक कार्यों से संन्यास ले लिया और हरिद्वार के कनखल गंगा किनारे आकर रहने लगे। लगभग यही वो समय भी था जब गढ़वाल एक भयानक भूकंप की त्रासदी झेल रहा था। ऊपर से राजशाही भी आंतरिक संकट के चलते अपने बेहद कमजोर दौर पर थी। इसी का फायदा उठाते हुए गोरखाओं ने साल 1803 में गढ़वाल पर हमला कर दिया। प्रद्युमन सार उनके मंत्री सलाहकार चाहते थे कि ऐसे समय में हर्षदेव जोशी जैसे रणनीतिकार को अपना साथ शामिल कर लेना चाहिए, लेकिन उनके भाई पराक्रम शाह इसके लिए तैयार नहीं हुए। गढ़वाल रियासत में प्रशासनिक दृष्टि से गृहयुद्ध जैसी स्थितियां बन रही थी, जिसका फायदा गोरखाओं को मिला। गोरखा सेनापति सुब्बा अमर सिंह थापा, हस्तदिल चौंतरिया, बमसा चौंतरिया और रणजोर थापा ने एक बड़ी सेना लेकर गढ़वाल पर चढ़ाई कर दी। राजा प्रद्युमन शाह ने अपने राज्य को बचाने के लिए अपने सोने का सिंहासन और आभूषण बेचकर लंडौर के गुजर राजा रामदयाल सिंह से सहायता मांगी और लगभग 12,000 की फौज इकट्ठा की। इसी फौज के सहारे वो गोरखाओं से लड़े, लेकिन देहरादून के खुड़बुड़ा में युद्ध में गढ़वाली सेना की हार हुई और राजा प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हुए। पराक्रम शाह कांगड़ा के राजा संसार चंद के यहाँ भाग निकले, लेकिन कुंवर प्रीतम शाह को बंदी बनाकर नेपाल भेज दिया गया। इस प्रकार 1804 में कुमाऊं और गढ़वाल में पूरी तरह से गोरखाओं का शासन हो गया। यहीं से शुरू हुई गोरख्याली, यानी कुमाऊं गढ़वाल के इतिहास में एक ऐसा काला कालखंड जिसने अपने अत्याचारों की कहानी खून से लिखी। गढ़वाल में गोरखाओं का दमन और अत्याचार फिर लगातार बढ़ता गया। गाँव से लेकर कस्बों तक लोगों को बेरहमी से काटा गया। महिलाओं के साथ अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी गई। मासूम बच्चों तक की हत्याएं हुई और लाखों गढ़वालियों को मंडियों में बेच दिया गया। कई तरह के लगान और कर लोगों से वसूले जाते। भूमि का लगान तो था ही, उत्सव मेलों के लिए भी कर वसूले जाने लगा। यहाँ तक कि गाय भैंस पालने पर भी कर चुकाना होता और महिलाएं अगर अपने घर की छत पर जाती तो उसका भी कर वसूला जाता। गोरखा सैनिकों की आदेश न मानने पर महिलाओं के स्तन तक काट दिए जाते। गढ़वाली लोगों को हरिद्वार में 8-10 रुपये तक में बेचे जाने का समाचार सामने आने लगा। हरिद्वार शहर गढ़वालियों की मंडी में तब्दील हो गया। इतिहास में जिक्र मिलता है कि इस दौरान 2,00,000 से अधिक लोगों को बेचा गया। हालांकि गढ़वाल में कुछ जगह इस दमन का प्रतिकार भी हुआ, लेकिन गोरखाओं ने गढ़वाल में 11 साल और कुमाऊं में 25 साल तक अपना अत्याचारी शासन चलाया। राजा प्रद्युमन शाह के बेटे कुंवर सुदर्शन शाह हरिद्वार के पास लंडौरा रियासत में शरण लिए हुए थे। पंडित हर्षदेव जोशी राजनीति से संन्यास लेकर कनखल में जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन गोरखाओं के अत्याचार ने उन्हें भी विचलित कर दिया था। लिहाजा अपना संन्यास छोड़ वह एक बार फिर से राजनीतिक तौर से सक्रिय हुए। अपने कूटनीतिक अनुभव और संबंधों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कनखल के पहाड़ी मोहल्ले से अपनी राजनीति संचालित की। गोरखों को हटाने के लिए उन्होंने उत्तर भारत के सभी राजाओं और अंग्रेजों से मदद मांगनी शुरू की। अंग्रेज पहले से ही गोरखाओं के खिलाफ अपने अभियान में सक्रिय थे और कुमाऊं गढ़वाल में अपना अधिकार जमाने की जुगत में लगे थे। हर्षदेव जोशी की लिखा पढ़ी अंग्रेजों के साथ होने लगी। उस समय जनरल मार्टी डेल की सेना के पॉलिटिकल एजेंट डब्ल्यू फ्रेजर थे। कनखल में कप्तान हैरसी ने 1814 में हर्षदेव जोशी और सुदर्शन शाह को फ्रेजर से मिलाया। राजा सुदर्शन शाह, हर्षदेव जोशी और डब्ल्यू फ्रेजर के बीच हुए करार से अब गोरखाओं के खिलाफ लड़ने का नया मोर्चा बना। अपनी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए अंग्रेजों ने अपने सेनापति ग्लैस्पी के नेतृत्व में 26 से 31 अक्टूबर 1814 तक देहरादून के पास नालापानी में गोरखों से मोर्चा लिया। गोरखा सेनापति बलभद्र ने बड़ी बहादुरी से 5 दिन उन्हें रोके रखा, लेकिन आखिरी में अंग्रेजों ने गोरखों को हराकर गढ़वाल को 11 साल के अत्याचारी शासन से मुक्त कराया। इस लड़ाई में अंग्रेज सेनापति ग्लैप्सी भी मारा गया। इसी युद्ध के बाद गढ़वाल का 2 भागों में विभाजन भी हुआ। हुआ यूं कि युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से युद्ध खर्च के रूप में इतनी बड़ी धनराशि की मांग की जो उनके लिए चुकाना संभव नहीं था। तब तय हुआ कि गढ़वाल का गंगा पार का एक हिस्सा टिहरी के रूप में सुदर्शन शाह को सौंपा जाएगा, जबकि पौड़ी में अंग्रेजों का शासन होगा। इतिहास में इस घटना को अलकनंदा की संधि के नाम से जाना गया। गढ़वाल को गोरखाओं से मुक्त कराने के बाद अब कुमाऊं को मुक्त कराया जाना बाकी था। हर्षदेव जोशी से हुई बातचीत को अमली जामा पहनाने के लिए अंग्रेजों ने काशीपुर से रणनीति बनाना शुरू कर दी। हर्षदेव जोशी की उम्र अब भले ही 67 साल की हो गई थी, लेकिन उनकी रणनीति, बहादुरी और निर्णय लेने की क्षमता में कोई असर नहीं पड़ा था। उन्हें अब इस बात की उम्मीद हो गई थी कि अंग्रेज कुमाऊं से भी गोरखाओं को हटाकर उन्हें फिर सत्ता के केंद्र में ला सकते हैं। वो काशीपुर पहुंचे और अंग्रेजों को कुमाऊं फतेह करने के लिए सहयोग करने लगे। उन्होंने एक बार फिर से अपने को सेनापति के रूप में साबित किया। अपने राजनीतिक चालाकी और पुराने संबंधों को पुनः पिरोते हुए
उन्होंने काशीपुर में मेहर, फर्तियाल और तड़ागी आदि की सेनाएं इकट्ठा की और उन्हें अंग्रेज कप्तान हर्सी की फौज की सहायता के लिए तैयार कर लिया। इसी सेना के साथ फिर वो अल्मोड़ा आए। कुमाऊं अब एक नए कालखंड की ओर बढ़ रहा था। बड़ी तैयारी के साथ कर्नल गार्डनर चिल्किया कोसी के रास्ते अल्मोड़ा की ओर, तो कप्तान हेयरयंग हियर से पीलीभीत से काली कुमाऊं और चंपावत की ओर बढ़े। पहले उन्होंने गोरखाओं से डिकुली नाम की जगह खाली कराई। यहां से फिर अंग्रेज सेना चुकम, कोटागढ़ी, टुंगड़ा घाट, काट की नाव, अंगूड़ा घाटा, लोगलिया से भूजान तक पहुंच गई। फिर स्याही देवी कुमपुर होते हुए स्यूनी और कटारमल होकर अल्मोड़ा की ओर वे सिटोली तक पहुंचे। उधर काली कुमाऊं में सेनापति हस्ती दल के नेतृत्व में नेपाली सेना ने अंग्रेज सेना के हिरसी को हरा दिया था, लेकिन गोरखा इसका फायदा ना उठा सके। गोरखा प्रशासक बमसा ने नेपाली सेना को काटरमल में ठहरी अंग्रेज सेना से मुकाबला करने अल्मोड़ा भेजा। सेनापति हस्ती दल ने एक सैन्य टुकड़ी के साथ गणनाथ में डेरा जमाया। गोरखे इस पड़ाव को गुप्त रखना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों को इसका पता चला तो कर्नल निकोलस ने एक बड़ी सैनिक टुकड़ी के साथ गणनाथ पर चढ़ाई कर दी। अचानक हुए इस हमले से गोरखाओं की सेना संभल नहीं पाई। गोरखा सेनापति हस्ती दल के सिर में एक गोली लगी और उसकी मौत के साथ ही गोरखा सेना तितर बितर हो गई। इसके साथ ही कुमाऊं से भी गोरखाओं का अंत हो गया। इस अंतिम युद्ध के समय भी हर्षदेव जोशी गणनाथ में ही थे। इतिहास का एक कालखंड अब नई करवट ले चुका था। इतिहास अब एक नए पड़ाव की ओर बढ़ रहा था। गोरखों के अत्याचारों से मुक्ति का रास्ता तो निकल आया था, लेकिन औपनिवेशिक दास्ता की इबारत लिखी जानी अब शुरू हो गई थी। 1815 में पंडित हर्षदेव जोशी का निधन हुआ। आज भी जब इतिहास के इस किरदार पर चर्चा होती है तो ये सवाल बार बार उठता है कि उसका जिक्र एक नायक की तरह किया जाए या किसी खलनायक की तरह। लेकिन इस बहस के बीच जो बात सर्वमान्य है वो ये कि हर्षदेव जोशी का नाम कुमाऊं और गढ़वाल के इतिहास से अनदेखा कभी नहीं किया जा सकता। वो उस दौर में कितने महत्वपूर्ण थे, इसका एक उदाहरण वो पत्र भी है जो साल 1815 में अंग्रेज अधिकारी डब्ल्यू फ्रेजर ने ब्रिटेन में बैठे अपने उच्च अधिकारियों को भेजा था। इस पत्र में लिखा था, हर्षदेव जोशी राजाओं का निर्माता और कुमाऊं का अर्ल ऑफ वारविक है। उसमें अद्भुत साहस और अदम्य उत्साह है। सभी पहाड़ी राज्यों पर सतलज के उस पार भी उसका प्रभाव है। वह हमारा प्रमुख उपकरण है, जिससे प्रभावित होकर हजारों कुमाऊनी हमारा साथ देने को तैयार हैं। उसका नाम सुनते ही गोरखा कांप उठते हैं। एम्पायर का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। 12 मासों को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही Facebook पेज को भी लाइक कर लीजिए। हमारे कार्यक्रम अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारी मदद भी कीजिए। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट 12masa.in पर जाकर कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान चुन सकते हैं और हमें समर्थन दे सकते हैं, ताकि हम लाते रहे पहाड़ों से ऐसे ही दिलचस्प जानकारियाँ 12masa।